रामनवमी पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा आकर्षण का केंद्र बनी झांकियां। रामनवमी के अवसर पर गुरुवार को नैनीचाका ब्लॉक धनुहा के पास से समाजसेवी गौरव तिवारी की अगुवाई में एक विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा से पूर्व भगवान श्री राम की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पूजा अर्चना की गई। इसके उपरांत यात्रा निकालने की शुरुआत की गई। शोभा यात्रा में डीजे की धुन पर जय श्री राम के नारे और हिंदू एकता को दर्शाते हुए लोगों को जागरूक किया गया। शोभा यात्रा में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सहित ग्राम प्रधान धनुहा मौजूद रहे। यात्रा चाका ब्लॉक के समीप से उठकर मामा भांजा भंडारा होते हुए वापस अपने स्थान पर लौटी। यात्रा में हजारों की संख्या में युवा बूढ़े महिलाएं शामिल रहे। शोभा यात्रा में भगवान श्री राम श्री हनुमान की झांकियां आकर्षण का केंद्र बनी रही। हजारों की संख्या में लोग पैदल बाइक और चार पहिया वाहनों के साथ शोभा यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान पुलिस की कड़ी सुरक्षा का इंतजाम भी किया गया था। शोभा यात्रा में शामिल लोगों को जगह जगह पर जलपान की व्यवस्था भी स्थानीय लोगों द्वारा कराई गई थी। रामनवमी का पर्व है, आप लोगों ने शोभा यात्रा निकाली है, क्या उद्देश्य है शोभा यात्रा का? सबसे पहले आप सबको जय श्री राम। जैसा कि हम लोगों का जो देश है भारत, उसका नाम ही है कि हिंदुस्तान, तो हम लोगों का मतलब यही उद्देश्य है कि हिंदू ये जो देश है हिंदुस्तान नाम है, तो सिर्फ यहाँ पे हिंदुत्व का ही प्रचार प्रसार हो। और जैसे कि पहले से यहाँ पे सनातन धर्म को मतलब श्रेष्ठता दी जा रही थी, फिर से हम चाहते हैं इन सब शोभा यात्रा के द्वारा कि सनातन धर्म की तरफ हम लोग फिर से पूरे अपने राष्ट्र को लेकर जाएं, और जो हमारी युवा पीढ़ी है वो सनातन धर्म को समझे और इसकी महिमा का गुणगान। परिचय बता दीजिए। सरोज तिवारी, ग्राम प्रधान धनुआ और प्रदेश सचिव पंचायत परिषद। रामनवमी का पर्व है, जगह जगह शोभा यात्रा निकाली जा रही, आप लोगों ने यहाँ शोभा यात्रा निकाली है, क्या उद्देश्य है शोभा यात्रा का? आज महापर्व रामनवमी के अवसर पर हमारे चाका ब्लॉक से भी जो शोभा यात्रा निकाली गई है श्री प्रभु राम की, तो हम लोगों की हर साल, ये जैसे कि पता है कि हर साल निकाली जाती है, तो यही उद्देश्य है कि जो हमारा राष्ट्र है, जो हमारा देश है, उसको सनातनी धर्म से जोड़ा जाए। और हमारी केंद्र सरकार से ये अपील है कि हमारे राष्ट्र को एक धर्म राष्ट्र के नाम से जोड़ा जाए और हिंदू राष्ट्र के नाम से जोड़ा जाए, उसका नाम दिया जाए, और सबके अंदर प्रभु राम की जो आध्यात्मिक जो चीज़ें हैं वो आए, लोगों के अंदर जागरूक हो, क्योंकि राम जो प्रभु श्री राम जो हैं वो सबके कण कण में समाए हुए हैं, सबकी आत्माओं में समाए हैं। तो इसका करने का मेन उद्देश्य यही है कि लोगों तक भी प्रभु राम की जो पवित्रता है वो लोगों तक पहुंचाई जाए और हमारा जो राष्ट्र है वो हिंदू राष्ट्र कहलाए। परिचय बता दीजिए। कविता यादव त्रिपाठी, प्रदेश मंत्री महिला मोर्चा। आज रामनवमी है और उसको लेकर के आप लोग शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, भगवान राम का जन्मदिन का आज कार्यक्रम है और हम लोगों का चैत की नवरात्रि से हिंदू का अपना नववर्ष प्रारंभ होता है। भगवान राम का आज प्रमुख उत्सव है, आज ही के दिन भगवान राम का जन्म हुआ था। इस अवसर पर हम पूरे हिंदू समाज के लोग सर्व समाज के जागरण करते हुए ये मैसेज देते हैं और आने वाली पीढ़ी को ये जानकारी देना आवश्यक लोग समझते हैं। आज हमारे भगवान राम का जन्मदिन है, हम लोग इसको हर उल्लास के साथ मनाएं। दिलीप प्रवासी, क्षेत्रीय शादी का सीजन हुआ शुरू, जिसके लिए न्यू साड़ी रेडीमेड एम्पोरियम आपके लिए लेकर आए हैं एकदम फ्रेश स्टॉक, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे 6000 से लेकर 60000 तक, वही हैवी डिजाइनर साड़ियां 2500 से लेकर 25000 तक, और हैवी शॉर्ट्स एंड स्टॉल्स भी अवेलेबल। तो आज ही आए श्री न्यू साड़ी एंड एम्पोरियम होली गेट मथुरा। वेडिंग कलेक्शन में बहुत सारी नई चीजें हमने ऐड करी है, न्यू फैब्रिक्स, ऑर्गेंजा, चिनोन, और आपके नेट के अंदर काफी डिजाइनर कॉन्सेप्ट अभी नए आए हैं।